8 देखिए कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर n में x से स्वतंत्र पद है तो दिखाइए कि यह किसके बराबर है, तो n का फैक्टोरियल बटा में n बाई 3 का फैक्टोरियल और 2n बाई 3 के फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यानी कहने का मतलब कि आपको x से स्वतंत्र पद इसका निकालना है और वो ये होगा, ये आपको साबित करके दिखाना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में आरवा पद तो क्या आपको पता है, तो वो होता है टी आर बराबर एन सी आर माइनस वन, उसके बाद ए का पावर एन माइनस आर प्लस वन और एक्स का पावर आर माइनस वन। तो चलिए यहाँ पे इसका पहले आरवा पद निकाल लेते हैं, तो टी आर बराबर हो जाएगा एन की जगह एन ही है सी आर माइनस वन, ए की जगह दिया है एक्स तो एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन और x की जगह दिया है यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर r माइनस वन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा टी आर बराबर एन सी आर माइनस वन, यहाँ देखिए x का पावर n माइनस आर प्लस वन और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा और नीचे हो जाएगा x का पावर 2r माइनस वन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो टी आर बराबर एन सी आर माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन और इंटू वन बाई एक्स का पावर टू आर माइनस टू, तो भाग में तो पावर घटेगा ना, चलिए तो यहाँ घटा दीजिए, तो यहाँ से टी आर बराबर होगा एन सी आर माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन माइनस में टू आर और प्लस में टू। ठीक है, यहाँ साइन बदल जाएगा, माइनस लगेगा तो ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, तो टी आर बराबर हो जाएगा एन सी आर माइनस वन और एक्स का पावर क्या जाएगा एन माइनस का तीन आर और प्लस का तीन। तो आपको एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए ना, स्वतंत्र पद के लिए एक्स से स्वतंत्र पद के लिए क्या करना होगा, तो आपको करना होगा एक्स का पावर एन माइनस थ्री आर प्लस थ्री तथा एक्स के पावर जीरो में तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों में तुलना कर लेते हैं, यानी से यहाँ से हो जाएगा n माइनस थ्री आर प्लस थ्री बराबर में जीरो, समझ गए ना, तो इस थ्री आर को उधर भेज देते हैं तो बच जाएगा n प्लस थ्री बराबर में तीन आर, तीन को लेंगे भाग में तो n प्लस थ्री और बट्टा में थ्री बराबर r, यानी कि r बराबर आप चाहें तो n बट्टा थ्री प्लस थ्री बट्टा थ्री नहीं लिख सकते, अलग अलग ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका r का मान जो आ गया आर बराबर आ गया एन बाई थ्री प्लस वन, समझ गए। चलिए अब इसमें रख देते हैं, तो एक्स से स्वतंत्र पद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टी एन बाई थ्री प्लस वन वा पद। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा एन एन सी आर की जगह पे क्या लेंगे, ये वाला रखेंगे ना एन बाई थ्री प्लस वन और माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस थ्री आर की जगह क्या होगा, तो एन बाई थ्री प्लस वन प्लस थ्री, समझ गए ना, यहाँ रख दिए हैं आर का मान, समझ गए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा कि सर ये बटा में क्यों आ रहा है, आर का मान आप बताए थे हमेशा एक प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए या फिर धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपका बटा में आ जाएगा, तो देखिए एन यहाँ कोई ऐसा संख्या होगा ना जो तीन से विभाज्य है, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ से हो जाएगा एन सी, यहाँ देखिए वन वन तो कट जाएगा एन बाई थ्री एक्स का पावर एन माइनस, इसमें गुना करिए एन, इसमें गुना करिए माइनस थ्री और प्लस थ्री, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, देखिए ये कट जाएगा ये कट जाएगा, यानी यही बचेगा, यानी एन का फैक्टोरियल बटा में एन बाई थ्री का फैक्टोरियल और एन माइनस एन बाई थ्री का फैक्टोरियल, समझ गया। और यहाँ हो गया एक्स का पावर जीरो, यानी क्या गया एन का फैक्टोरियल बटा में एन बाई थ्री का फैक्टोरियल और ये इसमें से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा टू एन बाई थ्री का फैक्टोरियल, यही ना साबित करना था, तो ये आपका आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन